असल स्टूडेंट्स आई एम वसीम इक्राम दिस दी फोटी लेक्चर में सीरीज़ ऑफ़ फोर्टी फाइव लेक्चर्स ऑन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन कैसे हाल हैं आपके इनशाला अच्छे होंगे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी मेमरीज पर डिफरेंट टाइप्स की मेमरी हमने देखी थी डिस्कस की थी और बेसिकली मेमरी होती क्या है उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा देखा था आज मेमरी पर मज़ीद हम डिस्कशन जारी रखेंगे इससे पहले कि आज की डिस्कशन शुरू करें आइए लास्ट लेक्चर के जो टॉपिक्स हैं उनको रिव्यू कर लें लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन अपनी शुरू की थी मेमोरी से बेसिकली मेमोरी क्या है एक एलिमेंट uh, है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है सिक्वेंशल सर्किट जब हम डिस्कस कर रहे थे हमने ये कहा था कि उसके दो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेट्स हैं कॉम्बिनेशन सर्किट जो पहले हम डिस्कस करते आ रहे हैं और एक मेमोरी एलिमेंट जो कि हमने इम्प्लीमेंट किया था एक फ्लिप फ्लॉप से फ्लिप फ्लॉप जो है एक बेसिक एलिमेंट है स्टोरेज एलिमेंट है और एक बिट को स्टोर करता है सो सिक्वेंशल सर्किट्स का एक असेंशल पार्ट है मेमरी उसके बगैर सिक्वेंशल सर्किट बन नहीं सकता दूसरे हमने ये कहा था कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है या डिजिटल सिस्टम है उसमें मेमोरी की ज़रूरत है और वो एक बेड या दो बेड या तीन बेड नहीं काफ़ी सारी मेमोरी आपको चाहिए बेसिकली क्यों चाहिए क्योंकि आपका डिजिटल सिस्टम जो है उसने एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है वो जो प्रोग्राम है इंस्ट्रक्शन हैं वो आपकी रैम में या मेमरी में मौजूद होनी चाहिए सो दैट्स फाई आपके डिजिटल सिस्टम के लिए एक अच्छी खासी कैपेसिटी की मेमरी होना ज़रूरी है उसके बगैर आपका डिजिटल सिस्टम काम नहीं करेगा हमने बात की थी कि जो डाटा वैल्यूज़ हैं या इंफॉर्मेशन है जो मेमोरी में स्टोर करना है उसका साइज़ कितना होना चाहिए वो हमने बताया था कि वो डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है अगर आपका सिस्टम जो है उसको वन बिट एट ए टाइम चाहिए तो आपकी जो मेमोरी है वो वन बिट की फॉर्म में होगी अगर आपका जो सिस्टम है उसको फोर बिट की फॉर्म में डाटा चाहिए तो वो नेबल फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं इसी तरह अगर आपका कंप्यूटर एट बिट सिक्सटीन बिट या थर्टी टू बेड इन्फॉर्मेशन को हैंडल करता है तो मेमरी में आपको इसी फॉर्म में इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना होगा नेक्स्ट हमने बात की थी कि जो मेमोरी है उसको कैसे एक्सेस कैसे करते हैं या उसका रफ सा जो इम्प्लीमेंटेशन है या ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है हम ये कह रहे थे कि मेमोरी जो है एक टू डायमेंशनल अरे की सूरत में ऑर्गेनाइज होती है सो so हम रोज़ एंड कॉलम्स की टर्म में एक लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सो लेट्स से अगर स्क्वायर एट बाय एट अरे है सो एट रोज़ होंगी एट कॉलम्स होंगे उसमें आप कोई भी सी रो सेलेक्ट करें कोई सा भी कॉलम सेलेक्ट करें तो उस जगह पर जो भी मेमरी लोकेशन है उधर इंफॉर्मेशन स्टोर है आप उस लोकेशन को एक्सेस करके आप रीड भी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन राइट भी कर सकते हैं फिर हमने ये कहा था कि ये जो एट बाई एट रे है इसको आप इस तरह ज्यूम कर सकते हैं कि ये एट लोकेशन हैं और हर लोकेशन पे एट बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर हैं या एक बाइट स्टोर है सो so, ये एट बाइट रैम होगी या मेमरी होगी अगर आपको फोर बिट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसी एट बाई एट अरे को आप सिक्सटीन लोकेशनस इन टू फोर की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं दैट मींस 16 एड्रेसेस होंगे यूनिक एड्रेसेस होंगे और हर एड्रेस पे चार बेड की इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हैं एक तीसरी जो फॉर्म है उसमें आप 64 लोकेशंस बना सकते हैं और हर लोकेशन पे एक बिट स्टोर कर सकते हैं तीनों केसेस में हमने डिस्कस किया था कि जो टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी है या जो कैपेसिटी है वो एक ही रहेगी 64 सेल्स होंगे बेसिकली सेल्स की हमने डेफिनेशन ये बताई थी कि एक जो बेसिक यूनिट है जो कि जीरो लॉजिक जीरो या लॉजिक वन को स्टोर करेगा उसको हम कहते हैं सेल नेक्स्ट हमने बात की थी कैपेसिटी uh, की मेमोरी कैपेसिटी और मेमोरी डेंसिटी मेमोरी कैपेसिटी बेसिकली टोटल अमाउंट ऑफ और रेदर टोटल नंबर ऑफ सेल्स दैट मीन्स कितनी बिट्स आप स्टोर कर सकते हैं सो so, एग्जांपल है 16 किलो बाइट दैट मीन्स 16 किलो लोकेशन सिक्सटीन इंटू वन ज़ीरो टू फोर लोकेशन हैं, 1024 हैं. और हर लोकेशन पे एट बिट्स या एक बाइट स्टोर हो रही है सो so, अगर आपने बिट्स की फॉर्म में मालूम करना है कि कितनी इन्फॉमेशन या कितनी बेड्स टोटल स्टोर हो सकती हैं सो सिक्सटी इंटू वन दूसरी हमने बात की थी डेंसिटी की डेंसिटी बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि पर स्क्वायर इंच या पर स्क्वायर सेंटीमीटर जो एक कोई भी एरिया में कितनी आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं उसमें बेसिकली अगर पर स्क्वायर यूनिट एरिया जो है उसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन या ज़्यादा मेमोरी आप अवेलेबल है या दैट मीन्स ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं दैट मीन्स ज़्यादा डेंस मेमरी है बेसिकली हमने बाद में ये बात की थी कि कोई मेमोरी डेंस है या नहीं है ये डिपेंड करता है इम्प्लीमेंटेशन कि मेमोरी सेल्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्टैटिक रैम की हमने बात की थी कि अगर स्टैटिक uh, रैम हो क्योंकि वो छः ट्रांजिस्टर की मदद से एक सेल इम्प्लीमेंट करते हैं सो छः सेल्स जो हैं ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं सो दैट मीन्स लेस मेमरी पर यूनिट एरिया इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डायनामिक रैम की हमने बात की थी कि कैपेसिटर की फॉर्म में डायनामिक रैम होती है so, सो एक सेल जो है वो बेसिकली ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर की मदद से बनाया जाता है सो उस दैट मींस के पर स्क्वायर पर यूनिट एरिया आपके पास डायनामिक रैम अगर है तो ज़्यादा मेमोरी अवेलेबल है सो दैट मीन्स एक छोटे से एरिए में ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हैं इसके बाद हमने देखा था कि जो मेमोरी चिप है उसके कौन से इसेंशल सिग्नल्स हैं और इन सेंशल सिग्नल्स की मदद से हम कैसे इन्फॉर्मेशन रीड या राइट कर सकते हैं सो so, पहला जो सिग्नल था या सेट ऑफ़ सिग्नल्स थे उनको हमने कहा था कि एड्रेस सिग्नल्स हैं सो so, है, ये एड्रेस जो सिग्नल्स हैं ये बेसिकली इनपुट सिग्नल्स हैं मेमरी को एड्रेस के नाम से ज़ाहिर है कि आप एड्रेस अप्लाई करते हैं एड्रेस किस चीज़ का एक ख़ास और या यूनिक लोकेशन का जो कि मेमोरी में है जहाँ से आपने इंफॉर्मेशन पढ़नी है या आपने जहाँ इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है ये एड्रेस कहाँ से आएगा हमने कहा था कि माइक्रोप्रोसेसर कनेक्टेड है मेमोरी को थ्रू एन एक्सटर्नल एड्रेस बस सो so माइक्रोप्रोसेसर जो है एक एड्रेस जनरेट करेगा जो कि मेमोरी को भेजेगा मेमोरी के अंदर एक इंटरनल एड्रेस डिकोडर लगा हुआ है जो कि एक पर्टिकुलर लोकेशन को सिलेक्ट कर लेता है और उधर आप इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं दूसरी ने बात की थी जो है जो सिग्नल्स हैं वह हैं डरा सिग्नल्स अगेन नंबर ऑफ डाटा सिग्नल्स कंप्राइज दी डाटा बस डाटा बस पे क्या या किस किस्म की इंफॉर्मेशन है अगर आप इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं मेमोरी में तो वो डाटा बस पे मौजूद होनी चाहिए कहाँ से आएगी इन्फॉमेसन बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर है उसने इन्फॉर्मेशन मेमोरी में लिखनी है तो माइक्रो प्रोसेसर अपनी डाटा बस पे या अपने डाटा बफर में एक इन्फॉर्मेशन डालेगा या स्टोर करेगा वो इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नल डाटा बस पे अवेलेबल हो जाएगी और वो इन्फॉर्मेशन मेमोरी के इनपुट पेन्स पे अवेलेबल हो जाएगी डाटा इनपुट पेन्स पे अवेलेबल हो जाएगी इसी तरह अगर आप रीड कर रहे हैं मेमोरी से सो so आपने एड्रेस भेजा लोकेशन सेलेक्ट की उस लोकेशन से जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेमोरी की डाटा लाइंस पे अवेलेबल होगी जो कि माइक्रोप्रोसेसर पढ़ सकता है सो so जो डाटा बस है वो बाई डायरेक्शनल है या मेमोरी की जो डाटा लाइंस हैं वो बाई डायरेक्शनल हैं आप इनपुट कर सकते हैं डाटा आउटपुट भी कर सकते हैं कि जो हमने या तीसरे जो ग्रुप ऑफ सिग्नल्स थे जो हमने डिस्कस किए थे कंट्रोल सिग्नल्स थे रीड राइट बेसिकली अगर आपने इंफॉर्मेशन रीड करनी है मेमोरी से तो रीड सिग्नल को एक्टिवेट करेंगे अगर आपने इंफॉर्मेशन लिखनी है राइट करनी है मेमोरी में तो राइट सिग्नल को एक्टिवेट करेंगे हमने कहा था इधर एक सिग्नल हो सकता है या दो सेपरेट सिग्नल हो सकते हैं बहरहाल रीड करने के लिए रीड सिग्नल एक्टिवेट होना चाहिए राइट करने के लिए राइट सिग्नल एक्टिवेट होना चाहिए एक जो आखिरी कंट्रोल सिग्नल था वो था चिप सेलेक्ट सिग्नल जैसा कि हमने बताया कि एक सिस्टम में डिजिटल सिस्टम में यू कैन हैव मोर देन वन मेमोरी चिप सो किसी एक वक्त में एक लोकेशन एक मेमोरी चिप में आप एक्सेस कर रहे होंगे बाकी मेमोरी चिप्स की लोकेशन जो हैं वो आप एक्सेस नहीं कर रहे हैं सो so, बाकी जितनी भी मेमरीज हैं वो डीएक्टिवेटेड होंगी या सिलेक्ट नहीं होंगी सो so, आप किसी एक मेमरी को कैसे सिलेक्ट करेंगे वो उसके चिप सेलेक्ट पिन को अगर आप एक्टिव कर लें उस पर एक लॉजिक हाई या लॉजिक लो जो भी उसके सी लॉजिक है वो अप्लाई करें तो वो वाला चिप सेलेक्ट हो जाएगा हमने डिस्कस किया था कि एक सेल एक स्टैटिक रैम का सेल कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है हमने डायग्राम में देखा था कि बेसिकली एक फ्लिप फ्लॉप है जिसको हम लैच के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं एक डी फ्लिप फ्लॉप हमने यूज़ किया था जो डी इनपुट है उसको डाटा इन लाइन के साथ कनेक्ट किया हुआ है और जो क्यू आउटपुट है उसको एक ट्राई स्टेट बफर के थ्रू डाटा आउट के साथ कनेक्ट किया हुआ है दो कंट्रोल सिग्नल्स हमने यूज़ किए थे एक सेलेक्ट था और एक राइट था सो so, अगर सेलेक्ट सिग्नल एक्टिवेट हो रहा है राइट सिग्नल को डीएक्टिवेट किया हुआ है तो बेसिकली हम रीड करना चाह रहे हैं जो सेलेक्ट सिग्नल है वो ट्राई स्टेट बफर को इनेबल कर देता है लैच जो है डी लैच जो है उसके क्यू आउटपुट पे हमेशा एक वैल्यू अवेलेबल है जो ही ट्राई स्टेट बफर इनेबल हुआ वो इन्फॉर्मेशन आउटपुट पे आ गई दैट मीन हम रीड कर रहे हैं अगर हमने राइट करना है सो so बेसिकली हम कह रहे थे कि ये जो फ्लिप फ्लॉप है एज ए लैच यूज़ हो रहा है राइट सिग्नल इनेबल होगा एक्टिवेट होगा और चिप सेलेक्ट सिग्नल एक्टिवेट होगा तो जो लैच के क्लॉक इनपुट है उस पर एक एक्टिव सिग्नल आएगा जब एक्टिव सिग्नल आएगा तो लैच जो है एज ए ट्रेस ट्रांसपेरेंट लैच बिहेव करेगी दैट मीन्स डाटा इनपुट पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसके थ्रू पास करेगी और आउटपुट पे अवेलेबल हो जाएगी जो ही आप राइट right सिग्नल को डिसेबल करते हैं सो so वो इन्फॉर्मेशन जो है क्यू आउटपुट पर स्टोर हो जाएगी दैट मीन्स आपने इंफॉर्मेशन लिख दी बेसिकली ये एक सिंपल सा सर्किट uh, था जो कि हम यूज़ कर रहे हैं एक बिट को स्टोर करने के लिए डिस्कस किया था अगर मल्टीपल बिट्स आपने यूज़ करनी है स्टोर करनी है तो इस किस्म के मल्टीपल सर्किट्स होंगे आखिर में हमने दो डायग्राम्स देखे थे एक जो डायग्राम था वो बेसिकली था एक एट लोकेशन फोर बिट मेमोरी की इम्प्लीमेंटेशन उसमें हमने एक डी दिखाया था थ्री टू एट डी था थ्री इनपुट एड्रेस आ रहा था जिसकी वजह से एट रोज में से एक रो सेलेक्ट होती है एक रो के साथ हमने चार फ्लिप फ्लॉप्स या लैचेस कनेक्ट किए हुए हैं तो जो भी रो सेलेक्ट होगी वो वाले लैचेस सेलेक्ट हो जाएंगे और उनको हम एक्सेस कर सकते हैं इसके बाद हमने एक सिंबल देखा था सिक्सटीन किलो बाइट रैम का जिसकी एड्रेस लाइंस देखी थी डाटा लाइंस हमने डिस्कस की थी और जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं उनको डिस्कस किया था आज हम डिस्कशन शुरू करते हैं एड्रेस डी से मेमोरी में बेसिकली हमने जैसे बताया कि एक एड्रेस डिकोडर होता है जिसकी मदद से हम डिफरेंट रोज सेलेक्ट कर रहे हैं अब जो एड्रेस डिकोडर है उसका साइज कितना होना चाहिए डिपेंड करता है कि आपकी मेमोरी की कैपेसिटी कितनी है अस सपोज के मेमोरी में चार लोकेशंस हैं तो जो डिकोडर होगा टू टू फोर डी होगा टू इनपुट लाइंस आएंगी एड्रेस लाइंस होंगी और उनमें से उसकी चार आउटपुट सेलेक्ट लाइंस होंगी जिसकी मदद से एक रो या एक लोकेशन को आप सेलेक्ट कर रहे हैं जिस तरह अगर सिक्सटीन लोकेशंस की मेमोरी है या कैपेसिटी जो है सिक्सटीन एड्रेसेस आ सकते हैं, हैं उस मेमोरी के तो आपके पास जो डी होगा फोर टू सिक्सटीन डी होगा फोर इनपुट लाइंस होंगी सोलह आउटपुट्स होंगी उनकी मदद से आप एक लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप बात कर रहे हैं सिक्सटीन किलो वाइट मेमरी तो सिक्सटीन के लोकेशंस हैं अब ये आप अंदाजा करें कि जो डी कोडर होगा जो इन सिक्सटीन के लोकेशंस को यूनिकली डी कोड कर रहा है और आइडेंटिफाई कर रहा है वो कितना बड़ा होगा जो जो आप डी कोडर को बढ़ाते जा रहे हैं उसमें बेसिकली आप ज़्यादा गेट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जितने गेट्स आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा आपके ख्याल में बेसिकली जितने आप गेट्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो उतना डिले ज़्यादा होता जाएगा सो दैट मींस जो ही आपने एड्रेस अप्लाई किया कुछ डिले के बाद जो आउटपुट लाइन एक सेलेक्ट होगी जिसकी मदद से हम एक मेमरी लोकेशन को सेलेक्ट कर रहे हैं सो so, ये जो डिले है दैट मींस डाटा जो अल्टीमेटली हमारे पास आ रहा है या जो हम लिख रहे हैं वो डिले के बाद लिखा जाएगा दैट मींस मेमोरी स्लो हो जाएगी मेमोरी so, को फास्ट करने के लिए एक्सेस टाइम को कम करने के लिए जो एड्रेस डी है वो जल्दी हो जानी चाहिए एड्रेस डी कोडिंग कैसे जल्दी होगी अगर आप एड्रेस डी कोडर जो है उसको सिंपल रखें उसमें सिंपल कैसे करेंगे अगर आपकी वन मेगा बाइट लेट सपोज मेमरी है तो उसको कैसे सिंपल करेंगे बेसिकली हम करते क्या हैं कि जो एड्रेस है उसको हम स्प्लिट कर देते हैं उसको कहते हैं कि रो एड्रेस है और कॉलम एड्रेस है बेसिकली एक सिंगल एड्रेस आ रहा है इनपुट पे उसको हम स्प्लिट कर देते हैं इन टू ए रो एड्रेस और कॉलम एड्रेस जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो मेमोरी है वो एक टू डायमेंशनल एरे की सूरत में ऑर्गेनाइज की हुई है कुछ रोज हैं एंड कुछ कॉलम्स हैं सो so, एड्रेस को भी आप स्प्लिट कर दें रो एड्रेस एंड कॉलम एड्रेस सो बेसिकली दो डी आप इस्तेमाल कर रहे हैं इनसाइड द मेमरी इंटरनली एक जो डी है वो रो एड्रेस को डी कर रहा है और एक जो डी है जिसको हम कॉलम डी कहते हैं वो कॉलम एड्रेस को डी कर रहा है सो so, अब एक यूनिक रो एड्रेस जनरेट होगा और एक यूनिक कॉलम एड्रेस जनरेट होगा जिसकी मदद से हम एक यूनिक लोकेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं अब क्योंकि एक रो डिकोडर है और एक कॉलम डिकोडर है बेसिकली आपने दो डिकोडर्स कोडर्स बजाइए कि आप सिंगल एक डिकोडर यूज़ करते हैं दो डिकोडर्स यूज़ किए हैं दैट मीन्स इंटरनल जो उसमें गेट्स हैं वो कम हैं दैट मीन्स डी जो स्पीड है या प्रोविगेशन डिले है वो भी कम हो जाएगा दैट मीन्स मेमरी एक्सेस जो है वो फास्टर होगा आइए देखते हैं कि ये जो एड्रेस डी है उसको हम रो डी और कॉलम डी की शक्ल में कैसे हम यूज कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डायग्राम में एक मेमोरी अरे दिखाई गई जो कि डी हो रही है यूजिंग ए रो डी एंड ए कॉलम डी बेसिकली जो एड्रेस इनपुट है वो फोर बिट एड्रेस है उसको हमने स्प्लिट कर लिया इंटरनली इन टू रो एड्रेस एंड कॉलम एड्रेस सो दो बिट हम रो एड्रेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और दो बेट जो हैं कॉलम एड्रेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं दो टू इंटू फोर डी कोडर इस्तेमाल किए गए सो जो पहला डी कोडर है वो रो डिकी कोडर है और जो दूसरा है वो है कॉलम डिकोडर टू इनपुट्स हैं सो चार रोज में से एक रोज सेलेक्ट होगी इसी तरह कॉलम डिकोडर के टू इनपुट्स हैं फोर आउटपुट्स हैं सो एक कॉलम लाइन सेलेक्ट होगी जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है सोलह सेल्स हैं और हर सेल में एट बेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है सो दैट मीन्स अगर रो डिकोडर का एड्रेस जीरो जीरो है और कॉलम डिकोडर का एड्रेस इनपुट जो है जीरो जीरो है सो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो एट बिट डाटा सेल दिखाया गया वो सिलेक्ट हो जाएगा दैट मीन्स उसकी जो पहली रो है वो सिलेक्ट हो जाएगी पहला कॉलम सिलेक्ट होगा सो पहली रो और पहले कॉलम में टॉप लेफ्ट मोस्ट सेल है वो ही सिलेक्ट होगा हर सेल जो है एक बाई डायरेक्शनल बस के साथ कनेक्टेड है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है और ये डेटा बस जो है ये टर्मिनेट हो रही है इनपुट आउटपुट बफर पे सो कंट्रोल सर्किटरी जो है वो नहीं दिखाई गई अगर हम रीड कर रहे हैं सो so, जो आउटपुट बफर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और इंफॉर्मेशन हम किसी किसीड सेल से पढ़ सकते हैं इसी तरह अगर हम राइट कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन जो है सिलेक्टेड सेल पे लिख दी जाएगी पहले डायग्राम में नीचे जो इनपुट आउटपुट बफर दिखाया गया उसका डिटेल सर्किट डायग्राम इधर अभी नजर आ रहा है लास्ट रो जो है उसके चार फ्लिप फ्लिप्स दिखाए गए उसके नीचे कुछ बफर्स हैं इनपुट बफर एंड आउटपुट बफर लेफ्ट हैंड साइड पे दो एंड गेट दिखाए गए हैं जिनके इनपुट पे कुछ कंट्रोल सिग्नल्स कनेक्टेड हैं सो पहला जो एंड गेट है उसके इनपुट पे दो कंट्रोल सिग्नल्स हैं राइट सिग्नल एंड चिप सेलेक्ट सिग्नल दोनों एक्टिव हाई सिग्नल्स हैं सो अगर राइट right करना है राइट सिग्नल हाई होगा और इसी तरह चिप सेलेक्ट जब ये मेमोरी सेलेक्ट करनी है चिप सेलेक्ट शुड बी हाई नीचे जो एंड गेट है उसके तीन इनपुट्स हैं एक जो इनपुट है चिप सेलेक्ट है दूसरा जो इनपुट है वो डब्ल्यू बार है दैट मींस अगर रीड कर रहे हैं तो ये सिग्नल जीरो होगा और सेकंड एंड गेट के इनपुट पे इन्वर्ट होके वन हो जाएगा और तीसरा जो इनपुट है दूसरे एंड गेट के वो है आउटपुट इनेबल सो पहले हम देख लेते हैं कि रीड कैसे होगा उसके बाद हम देखेंगे राइट कैसे होगा रीड करने के लिए जो राइट सिग्नल है वो जीरो होना चाहिए चिप सिलेक्ट एक्टिव होना चाहिए और आउटपुट इनेबल जो है वो भी एक्टिव होना चाहिए जो दूसरा एंड गेट है उसके आउटपुट पे वन आ जाएगा वन जब आएगा तो चार जो नीचे आउटपुट बफर्स दिखाए गए वो इनेबल हो जाएंगे क्योंकि आउटपुट बफर्स का एक्टिव हाई इनेबल इनपुट है दैट मीन्स डाटा आउटलाइंस जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी और जो भी रो सिलेक्टेड है उस पर जो भी चार लैचेज हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगी इन्फॉर्मेशन आप रीड कर सकेंगे अब आइए देखते हैं कि राइट कैसे करेंगे राइट करने के लिए राइट सिग्नल एक्टिव होना चाहिए चिप सिलेक्ट भी एक्टिव होना चाहिए और आउटपुट इनेबल जो है वो डिसेबल होना चाहिए सेकेंड एंड गेट जो है उसके आउटपुट पे जीरो होगा दैट मीन्स आउटपुट बफर जो हैं वो डिसेबल हो गए ऊपर वाला एंड गेट जो है उसका आउटपुट वन होगा सर्किट में दिखाया गया है कि ऊपर वाला जो एंड गेट है उसका आउटपुट सारे फ्लिप फ्लॉप्स के राइट right सिग्नल के साथ कनेक्टेड है सो so इन्फॉर्मेशन जो है नीचे डेटा इन आउट लाइंस पे अप्लाई की हुई है राइट सिग्नल एक्टिवेट हुआ चिप सिलेक्ट एक्टिव है एंड गेट का आउटपुट वन हो गया सारे राइट सिग्नल्स एक्टिव हो गए जो भी रो सिलेक्टेड है डी की मदद से उसमें इंफॉर्मेशन इनपुट पे पहुंच जाएगी और जो ही राइट right सिग्नल आप डिसेबल uh, करेंगे ये इंफॉर्मेशन उन लैचेस पे स्टोर हो जाएगी या लैच हो जाएगी अभी हमने डायग्राम देखा एक डिकोडर का जिसको हमने स्प्लिट किया हुआ इंटू रो डिकोडर एंड कॉलम डिकोडर और जनरल जो अरे है मेमोरी की उसको भी हमने देखा सो एक जो कॉलम लाइन सेलेक्ट होती है और एक रो लाइन सेलेक्ट होती है उसकी इंटरसेक्शन पे जो सेल लगा हुआ है वो सिलेक्ट हो जाता है और उधर हम इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं उसमें उसके बाद हमने आउटपुट बफर जो उस सेकेंड में दिखाया गया था उसको देखा जैसे हमने पहले जिक्र किया था कि डाटा इन लाइन और डाटा आउट लाइन उनको हम कंबाइन कर सकते हैं उसको एक बाई डायरेक्शनल लाइन की सूरत में हम देख सकते हैं यूज़ कर सकते हैं उसमें अब हम बात करते हैं मेमोरी रीड एंड राइट साइकिल की जैसा कि हमने शुरू में बात की थी इंफॉमेशन रीड करने के लिए मेमोरी से आपका आपको एड्रेस अप्लाई करना है जो ऑफ कोर्स अप्लाई करेगा रीड सिग्नल एक्टिव होना चाहिए चिप सिलेक्ट होना चाहिए उसके बाद इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकेंगे इसी तरह राइट करने के लिए एड्रेस का होना ज़रूरी है एड्रेस से लोकेशन सेलेक्ट होगी राइट सिग्नल का होना ज़रूरी है चिप सेलेक्ट सिग्नल का होना ज़रूरी है उसके बाद इनफॉर्मेशन भी आपने प्रोवाइड करनी बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर प्रोवाइड कर रहा है और वो इन्फॉर्मेशन जो है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे लिखी जाएगी हमने ये भी बात की थी कि ये जो सिग्नल्स हैं एक खास सीक्वेंस में अप्लाई होंगे तभी आप इन्फॉर्मेशन मेमोरी uh, में uh, लिख सकेंगे या उधर से पढ़ सकेंगे राइट करने के लिए एक राइट साइकिल इस्तेमाल होगा जो कि माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल करेगा इसी तरह इंफॉर्मेशन मेमोरी से पढ़ने के लिए एक रीड साइकिल इस्तेमाल होगा जो कि एक माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल करेगा सो so आइए देखते हैं पहले रीड साइकिल के ये जो सिग्नल्स हैं डिफरेंट एडवेस सिग्नल्स चिप सेलेक्ट सिग्नल्स, रीड सिग्नल्स ये किस सीक्वेंस में अप्लाई हो रहे हैं और इन्फॉर्मेशन कब हमें मिल रही है उसके बाद हम देखते हैं राइट right साइकिल को राइट right साइकिल में भी अगेन हम देखेंगे एड्रेस सिग्नल कब अप्लाई होगा आउटपुट या चिप सिलेक्ट सिग्नल जो है वो कब अप्लाई हो रहा है इन्फॉर्मेशन हम कब बस पे प्लेस कर रहे हैं और कब इंफॉर्मेशन राइट right हो रही है सो so, आइए देखते हैं रीड साइकिल एंड राइट साइकिल रीड साइकिल टाइमिंग डायग्राम दिखाया गया जिसमें डिफरेंट सिग्नल्स दिखाए गए हैं बेसिकली रीड साइकिल टाइमिंग डायग्राम जो है इसमें ये बताया जाता है कि किस टाइम कौन सा सिग्नल एक्टिवेट होगा और कब जो है सिग्नल डीएक्टिवेट होगा सबसे ऊपर एड्रेस सिग्नल दिखाया गया एड्रेस की क्योंकि मल्टीपल लाइंस हैं सो किसी लाइन पे वन होगा किसी पे ज़ीरो होगा इसीलिए जो एड्रेस सिग्नल है उसको डबल लाइन से शो किया जाता है जिस तरह के डायग्राम में दिखाया गया है एड्रेस सिग्नल जो है एक ख़ास टाइम तक एक्टिव रहेगा या वैलिड रहेगा जब तक इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली रीड नहीं हो जाती एड्रेस लाइंस पे एड्रेस मौजूद रहेगा और ये एड्रेस जो है टी आर सी टाइम इंटरवल तक स्टेबल रहेगा एड्रेस सिग्नल के नीचे चिप सिलेक्ट सिग्नल दिखाया गया है चिप सिलेक्ट सिग्नल के नीचे आउटपुट इनेबल सिग्नल और सबसे नीचे डेरा सिग्नल दिखाया गया है सो सबसे पहले वैलिड एड्रेस आएगा एड्रेस लाइन्स पे स्टेबल रहेगा थोड़ी देर के बाद चिप सिलेक्ट और आउटपुट इनेबल सिग्नल जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे क्योंकि दोनों जो सिग्नल्स हैं एक्टिव लो सिग्नल्स हैं सो इनिशियली हाई हैं और थोड़ी देर के बाद ये लो हो गए दैट मीन्स एक्टिव एक्टिवेट हो गए उसके थोड़ी देर बाद डाटा लाइंस पे वैलिड डाटा दिखाया गया वैलिड डाटा क्योंकि मल्टीपल लाइन्स हैं वन भी होंगे जीरो भी होंगे इसीलिए इसको डबल लाइन्स के साथ शो किया गया बेसिकली ये जो वैलिड डाटा है कुछ टाइम के बाद अवेलेबल होगा सो डिफरेंट टाइमिंग्स दिए गए हुए हैं सबसे ऊपर टी ए क्यू बेसिकली ये रीड एक्सेस टाइम है जो ही आपने एड्रेस अप्लाई किया उसके टी ए क्यू टाइम इंटरवल के बाद वैलिड डाटा डाटा लाइंस पे अवेलेबल हो जाएगा ये मिनिमम टाइम है इससे पहले जो है वैलिड डाटा अवेलेबल नहीं होगा इसी तरह अगर चिप सेलेक्ट सिग्नल को देखें वैलिड डाटा मेमोरी का उसी वक्त अवेलेबल हो सकता है कि जब मेमोरी सेलेक्ट हो सो so, जब भी आपने चिप सेलेक्ट सिग्नल को एक्टिवेट किया उसके टी ई क्यू टाइम इंटरवल के बाद वैलिड डाटा अवेलेबल होगा डाटा बस पे अगेन ये भी मिनिमम टाइम है इसी तरह जब तक आउटपुट बफर्स इनेबल नहीं है आपको वैलिड डाटा डाटा आउटपुट लाइंस पे नज़र नहीं आएगा सो so, आउटपुट इनेबल सिग्नल जब भी एक्टिवेट होगा हाई से लो होगा उसके टी जी ओ टाइम इंटरवल के बाद वैलिड डाटा आपको डाटा लाइन्स पे नजर आएगा सो डाटा शीट पर हर मेमोरी के लिए ये जो टाइम इंटरवल्स हैं ये स्पेसिफाइड होते हैं मिनिमम टाइम इंटरवल्स दूसरा जो टाइमिंग डायग्राम है ये एक राइट right साइकिल का टाइमिंग डायग्राम है जिस तरह रीड साइकिल का टाइमिंग डायग्राम था उसी तरह का ये राइट साइकिल टाइमिंग डायग्राम है इसमें भी डिफरेंट सिग्नल्स को दिखाया गया है कब ये एक्टिवेट होते हैं और कब डीएक्टिवेट होते हैं सबसे ऊपर अगेन एड्रेस सिग्नल दिखाया गया है उसके नीचे चिप सिलेक्ट सिग्नल दिखाया गया उसके नीचे राइट एनेबल सिग्नल दिखाया गया और सबसे नीचे डाटा सिग्नल दिखाया गया राइट साइकिल के लिए वैलिड एड्रेस का होना जरूरी है सो so, सबसे पहले वैलिड एड्रेस जनरेट होगा माइक्रोप्रोसेसर से और वो अप्लाई होगा मेमोरी एड्रेस इनपुट पे, सो so, वैलिड एड्रेस स्टेबल हो जाएगा और ये स्टेबल रहेगा थ्रू आउट दी राइट साइकिल जब तक इंफॉर्मेशन मेमोरी में राइट नहीं हो जाती एड्रेस वैलिड रहेगा और इस टाइम इंटरवल को टी डब्ल्यू सी से आप डिफाइन करते हैं एड्रेस वैलिड होने के बाद कुछ देर के बाद चिप सिलेक्ट जो सिग्नल है वो एक्टिवेट हो गया अगेन चिप सिलेक्ट सिग्नल अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो मेमोरी जो चिप है वो सिलेक्ट नहीं होगा और इन्फॉर्मेशन आप नहीं लिख सकते चिप सिलेक्ट के एक्टिवेट होने के बाद राइट इेबल सिग्नल जो है वो एक्टिवेट हो गया दैट मीन्स आपने राइट कंट्रोल लाइन्स को एक्टिव कर दिया आप मेमरी को कन्फिगर कर रहे हैं ताकि उसमें डाटा आप लिख सकें राइट सिग्नल के इनेबल करने के बाद आप वैलिड डाटा जो है जो माइक्रो प्रोसेसर है वो वैलिड डाटा जो है डेरा बस पे डाल देगा और वो जो वैलिड डाटा है अब डाटा लाइन्स पे अवेलेबल होगा मेमरी की थोड़ी देर के बाद राइट इनेबल सिग्नल जो है डीएक्टिवेट हो गया और जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया वैलिड डाटा जो है उस सिग्नल के थोड़ी देर बाद भी मौजूद रहता है कुछ टाइम इंटरवल्स दिए गए हैं टी एस ए बेसिकली जब भी एड्रेस एक्टिवेट होगा उसकी थोड़ी देर के बाद आपने राइट इनेबल सिग्नल को एक्टिवेट करना है इसको कहते हैं एड्रेस सेटअप टाइम एड्रेस स्टेबल हो जाएगा तब ही आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं सो तो अपने मिनिमम टाइम के लिए वेट करना है जब एड्रेस स्टेबल हो गया तब आप राइट एनेबल सिग्नल को एक्टिवेट करेंगे इसी तरह जब आप राइट एनेबल सिग्नल को डीएक्टिवेट करते हैं उससे पहले टी डब्ल्यू डी टाइम इंटरवल है डाटा को वैलिड होना चाहिए इसी तरह जब राइट एनेबल सिग्नल डीएक्टिवेट हो गया वैलिड डाटा को एक मिनिमम होल्ड टाइम के लिए टी एच डी के लिए स्टेबल रहना चाहिए जी राइट इनेबल पल्स जो है वो खास इंटरवल के लिए एक्टिव रहेगी उसके बाद डीएक्टिवेट हो जाएगी इस ड्यूरेशन को हम मैयर करेंगे बाय राइट इनेबल पल्स विथ अभी हमने रीड साइकिल एंड राइट साइकिल देखा बेसिकली ये कोई साइकिल नहीं है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है सीक्वेंस ऑफ सिग्नल्स किस सीक्वेंस में सिग्नल्स एक्टिवेट होंगे और किस सीक्वेंस में सिग्नल डीएक्टिवेट होंगे और ज़रूरी है कि जो टाइम्स दिए हैं इनको फुलफिल किया जाए इनको मीट किया जाए अगर ये टाइम्स मीट नहीं करते तो दैट मीन्स कोई गारंटी नहीं है कि आप रीड प्रॉपरली कर सकें या राइट प्रॉपरली कर सकें बेसिकली ये जो सिग्नल्स हैं ये सारे माइक्रो प्रोसेसर जनरेट कर रहा है और ये सिग्नल्स डिपेंड करते हैं मेमोरी पे अगर मेमोरी इन टाइमिंग को फुलफिल नहीं कर सकती तो ये रीड साइकिल और राइट साइकिल एक्सटेंड होता जाएगा इन राइट साइकिल और रीड साइकल के टाइमिंग डायग्राम्स में आपको क्लॉक सिग्नल नज़र नहीं आया सो so बेसिकली इस किस्म की जो मेमोरी है जिसमें क्लॉक नहीं है इसको हम ए सिंकोनस मेमरी कहेंगे क्योंकि हम रैम को डिस्कस कर रहे हैं और स्टैटिक रैम को डिस्कस कर रहे हैं तो इसको कहेंगे ए सिंकोनस स्टेटिक रैम जहाँ क्लॉक सिग्नल नहीं है माइक्रो प्रोसेस सिग्नल भेजेगा जब भी मेमरी जो है रेडी है वो डाटा लिख सकती हैं या इंफॉर्मेशन uh, प्रोवाइड कर सकती है उस वक्त ये रीड साइकिल या राइट साइकिल टर्मिनेट हो जाएगा अगर मेमोरी बहुत स्लो है तो माइक्रो प्रोसेसर जो है इन साइकिल्स को एक्सटेंड करता रहेगा ए संकोनस स्टैटिक रैम जो है ये बेसिकली स्लो है क्योंकि जैसे हमने बताया रीड राइट साइकिल है डिपेंड करता है मेमोरी पे अगर वो स्लो है तो ये एक्सटेंड होता जाएगा माइक्रो प्रोसेसर को वेट करना पड़ेगा एक दूसरी किस्म की कि हमारे पास स्टैटिक रैम है जो कि है सिंक्रोनस स्टैटिक रैम सिंक्रोनस और एकॉम एक्कोनस में फ़र्क कितना है कि सिंक्रोनस में क्लॉक सिग्नल इस्तेमाल हो रहा है सिंक्रोनस स्टैटिक रैम में इंटरनल लैचेस हैं तो जितने भी हमने सिग्नल्स डिस्कस किए कंट्रोल सिग्नल्स चिप सेलेक्ट सिग्नल हो गया आउटपुट इनेबल सिग्नल हो गया रीड राइट सिग्नल्स हैं इंफॉर्मेशन अगर हम लिख रहे हैं उसके लिए वो वो जो इंफॉर्मेशन है ये सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली क्लॉक सिग्नल पर लैच हो रही है सो इंटरनली लैचज अवेलेबल हैं जो मेमोरी है वो माइक्रो प्रोसेसर के साथ सिंक्रोनाइज्ड है माइक्रो प्रोसेसर जो भी जो ही ये सिग्नल्स uh, भेज रहा है साथ में क्लॉक्स सिग्नल भेज रहा है इंफॉर्मेशन लैच होती जा रही है और साथ में वो प्रोसेस कर रहा है मेमोरी uh, या तो रीड कर रहा है या राइट कर रहा है आइए पहले इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं और मजीद इसके बाद डिस्कशन करते हैं ब्लॉक डाइग्राम दिखाया गया एक सिंक्रोनस बर्स्ट रैम का जो कि एक स्टैटिक रैम है राइट हैंड साइड पर एक मेमोरी अरे दिखाई गई टू डायमेंशनल मेमोरी अरे है सिक्सटीन के इन एट बाइट मेमोरी एड्रेस डिकोडर है जो रो एंड कॉलम दो सेपरेट एड्रेस डिकोडर्स हैं जो रो एड्रेस जनरेट कर रहे हैं और कॉलम एड्रेसेज जनरेट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे देखें अगर एड्रेस इनपुट जो है एक एड्रेस रजिस्टर में जा रहा है बेसिकली जो भी एड्रेस इन्फॉर्मेशन आएगी एक्सटर्नली जो माइक्रोप्रोसेसर भेजेगा वो इस एड्रेस रजिस्टर में लैच हो जाएगी जो ही क्लॉक सिग्नल अप्लाई होगा इसी तरह नीचे जो है एक राइट रजिस्टर है उसके नीचे एक इनेबल रजिस्टर है राइट right रजिस्टर में राइट इनेबल पल्स जो है वो लैच हो जाएगी जो ही क्लॉक सिग्नल आएगा इसी तरह जो इनेबल रजिस्टर है उसके इनपुट पे चिप सेलेक्ट सिग्नल अप्लाई हुआ है सो चिप सेलेक्ट सिग्नल जब भी एक्टिव होगा क्लॉक सिग्नल आया तो ये इन्फॉर्मेशन इनेबल रजिस्टर में लैच हो जाएगी डायग्राम के राइट हैंड साइड पे एक डाटा इनपुट रजिस्टर दिखाया गया और एक डाटा आउटपुट रजिस्टर दिखाया गया डाटा आउटपुट रजिस्टर का जो आउटपुट है वो एक आउटपुट बफर के साथ कनेक्टेड है डाटा इनपुट रजिस्टर और डाटा आउटपुट रजिस्टर दोनों क्लॉक से कनेक्टेड हैं सो जो ही राइट right रजिस्टर में राइट इनेबल पल्स लैच होगी और इस तरह इनेबल रजिस्टर में चिप सेलेक्ट पल्स लैच होगी डाटा इनपुट आउटपुट कंट्रोल जो सर्किट है वो इन दोनों सिग्नल्स को देखता है और आउटपुट इनेबल सिग्नल है उसको देखता है उसकी मदद से या तो डाटा इनपुट रजिस्टर को सिलेक्ट करेगा या आउटपुट बफर को सिलेक्ट करेगा सो so बेसिकली अगर इन्फॉर्मेशन मेमोरी में लिखनी है सो डाटा इनपुट रजिस्टर सिलेक्ट होगा जो इन्फॉर्मेशन डाटा इनपुट आउटपुट्स पे अवेलेबल है वो इसमें लैच हो जाएगी अगर इन्फॉर्मेशन मेमोरी एरे से पढ़नी है रीड करनी है सो डाटा आउटपुट रजिस्टर में वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जिसके बाद आउटपुट बफर पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी बेसिकली so ये सारे सिग्नल्स डाटा इनपुट डाटा आउटपुट जो है ये लैचेस में स्टोर हो रहा है और क्लॉक पल्स पे ये इंफॉर्मेशन आगे एक्टिवेट हो रही है एड्रेस रजिस्टर एंड एड्रेस डी के दरमियान एक बर्स्ट लॉजिक सर्किट भी दिखाई गई है जिसका एक इनपुट जो है बर्स्ट कंट्रोल है और दूसरा इनपुट जो है क्लॉक सिग्नल है दो और इनपुट्स हैं ए ज़ीरो एंड ए वन एड्रेस लाइंस, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट टू बिट एड्रेस लाइंस हैं वो बर्स्ट लॉजिक के इनपुट के साथ कनेक्टेड हैं और आउटपुट में ए ज़ीरो प्राइम और ए वन प्राइम अवेलेबल है और ये दोनों आउटपुट जो हैं एड्रेस डी के साथ कनेक्टेड हैं अभी हमने स्टैटिक रैम का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जो कि एक इस स्टैटिक रैम के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है वही रे है वही डी सर्किट है एक्स्ट्रा जो चीज़ें इसमें लैचेस लगाई हुई हैं जो मुख्तु सिग्नल को लैच कर रही हैं हर क्लॉक पल्स पे। क्लॉक जो सिग्नल है वो माइक्रो प्रोसेसर के साथ आ रहा है सो दैट मीन्स माइक्रोप्रोसेसर जब अपना रीड राइकल रीड राइट साइकल एग्जीक्यूट कर रहा है साथ में क्लॉक पल्स जनरेट हो रही हैं जिसकी मदद से ये जो रैम है स्टैटिक रैम जो सिंकोनस स्टैटिक रैम है वो भी उस क्लॉक के साथ सिंकोनाइज है सो दैट मीन्स स्टैटिक रैम जो है एज़ कम्पेयर टू ए सिंकोनस रैम जो है फास्टर होगी इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं बेसिकली आउटपुट बफर अगर नहीं हो तो हमें डाटा जो है एसंकोसली अवेलेबल होगा रीड के केस में जब हम रीड कर रहे हैं और आउटपुट बफर ना ना हो उसमें डिफरेंट किस्म की स्टैटिक uh, रैम्स होंगी सिंक्रोनस, जिसमें आउटपुट बफर मौजूद नहीं होगा उधर आपको एसंक्लोनसली डाटा अवेलेबल होगा अगर आउटपुट बफर मौजूद हो तो फिर जो इंफॉर्मेशन है वो पाइप आप स्टैटिक रैम कहेंगे बेसिकली लैच हो के आपके पास अवेलेबल है एक एक्स्ट्रा जो फैसिलिटी है इसमें बर्स्ट सिंक्रोनस स्टैटिक रैम कहलाती है बेसिकली आप एक एड्रेस अप्लाई करेंगे जो माइक्रो प्रोसेसर है एक एड्रेस भेज इस एक एड्रेस से इंटरनली डिफरेंट एड्रेसेस जनरेट हो सकते हैं बेसिकली ये कैसे होगा लेट अस सपोज के थ्री जीरो एड्रेस भेजा है प्रोसेसर ने ये इंटरनली जो एड्रेस रजिस्टर है उसमें लैच हो जाएगा जो बस्ट सर्किटरी है उसको आप एक्टिवेट कर देंगे वो एक्सटर्नल एक कंट्रोल uh, सिग्नल से एक्टिवेट हो रहा है जो ही एक्टिवेट होगा जो ली सिग्निफिकेंट बिट्स हैं उनको वो खुद से इंक्रीमेंट करेगा हर क्लॉक पल्स पे वो एड्रेस को इंटरनली इंक्रीमेंट करेगा सो अगर इनपुट uh, जो ओरिजिनल एड्रेस था थर्टी था नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे थर्टी वन जनरेट करेगा उसके बाद थर्टी टू जनरेट करेगा फिर थर्टी थ्री जनरेट करेगा क्योंकि दो एड्रेस बिट्स ए एंड ए दिखाई गई हैं सो हर क्लॉक पल्स पे चार डिफरेंट लोकेशन से ये इंफॉर्मेशन रीड या राइट कर सकता है बेसिकली इसका फायदा क्या है ए सी के केस में जैसे हमने बताया था कि मेमोरी एक्सेस जो स्लो है आपने एक रीड किया उसके बाद अगर मज़ीद नेक्स्ट लोकेशन से रीड करना है तो दोबारा से वो रीड साइकिल रन करेंगे या इसी तरह अगर आपने राइट करना है चार सक्सेसिव uh, लोकेशन से तो चार आपके राइट साइकिल्स चलेंगे जो कि स्लो कर रहे हैं सारे प्रोसेस को इस बर्स्ट मोड uh, में आपने इनिशियल लेथ से आपने चार लोकेशंस पे इंफॉर्मेशन रीड करनी है या राइट करनी है तो आप इनिशियल एड्रेस जो है, वो आप अप्लाई करेंगे इंटरनली वो लैच हो जाएगा उसके बाद आप जो है बस मोड को एक्टिवेट करेंगे हर क्लॉक पल्स पे जो बर्स्ट सर्किट है वो एड्रेसेस को इंक्रीमेंट करता जाएगा रीड या राइट सिग्नल एक्टिव है सो उन सक्सेसिव चार लोकेशन से आप रीड कर सकते हैं राइट कर सकते हैं सो बेसिकली ये सारा जो प्रोसेस है रीडिंग एंड राइटिंग का ये काफ़ी फास्ट हो जाएगा सो एक्सेस टाइम जो है वो कम हो जाएगा मेमोरी का अभी हमने बर्स्ट मोड के बारे में बात की जिसमें आप साइमल सिक्वेंशल लोकेशंस पे आप हर क्लॉक पल्स पे रीड या राइट कर सकते हैं बर्स्ट जो सर्किट है वो कैसा है आइए देखते हैं कि ये बर्स्ट सर्किट कैसे डिफरेंट एड्रेसेस या सीक्वेंशल एड्रेसेस जनरेट करता है बर्स्ट लॉजिक सर्किट दिखाया गया डायग्राम में बेसिकली एक टू बिट काउंटर है जिसका इनपुट जो है क्लॉक इनपुट जो है वो कनेक्टेड है थ्रू एन एंड गेट एंड गेट के इनपुट पे एक बर्स्ट कंट्रोल सिग्नल है और एक क्लॉक सिग्नल है सो so, जब भी बर्स्ट कंट्रोल सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा क्लॉक सिग्नल जो है वो एंड गेट के आउटपुट पर अवेलेबल होगा हर क्लॉक पर्स पे बाइनरी काउंटर है वो जो है इंक्रीमेंट हो रहा है बाय वन सो टू बिट काउंटर है Q0, Q1 जो बाइनरी काउंटर का आउटपुट है इनिशियली ज़ीरो जीरो होगा उसके बाद नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे वन हो जाएगा फिर टू हो जाएगा फिर थ्री हो जाएगा राइट हैंड साइड पे दो एक्सक्लूसिव और गेट्स दिखाए गए हैं जिन दोनों के दो जो इनपुट्स हैं वो A0 ज़ीरो एंड ए ये एक्सटर्नल एड्रेस बस के लीस्ट सिग्निफिकेंट टू बेट्स हैं सो इनिशियली लेट अस सपोज़ के जो इनपुट एड्रेस है वो 30 है दैट मीन्स A0 और A1 जो हैं ज़ीरो जीरो हैं बाइनरी जीरो जीरो बर्स कंट्रोल एक्टिवेट किया क्लॉक सिग्नल जो ही आया सो इनिशियली क्यू जीरो जीरो है क्यू वन जीरो है सो ए जीरो प्राइम और ए वन प्राइम जो है दोनों जीरो जीरो ही होंगे उसके बाद नेक्स्ट क्लॉक पे बर्स्ट कंट्रोल थ्रू आउट एक्टिव रहेगा नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे बाइनरी काउंटर है इंक्रीमेंट हो जाएगा क्यू जीरो वन हो जाएगा क्यू वन जीरो होगा एक्सक्लूसिव और गेट्स पे ए ज़ीरो जो है वो वन हो जाएगा ए वन रहेगा। इस दर नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे क्यू जीरो ज़ीरो हो जाएगा क्यू वन वन हो जाएगा ए ज़ीरो ए वन जो हैं वो ज़ीरो ज़ीरो स्टोर हुए हुए हैं सो ए ज़ीरो और ए वन वो ज़ीरो एंड वन हो जाएंगे फाइनली चौथी क्लॉक पल्स पे क्यू जीरो भी वन हो जाएगा और क्यू वन भी वन हो जाएगा ए ज़ीरो क्योंकि जीरो है और ए वन भी ज़ीरो है एक्सक्लूसिव और गेट के आउटपुट पे वन वन आ जाएगा अभी हमने स्टैटिक रैम को डिस्कस किया स्टैटिक रैम जैसे हमने पहले बताया था इम्प्लीमेंट uh, हुई है विद द हेल्प ऑफ ए फ्लिप फ्लॉप जो एक सेल है स्टैटिक रैम का वो फ्लिप फ्लॉप की मदद से इम्प्लीमेंट uh, कर रहे हैं डिफरेंट सिग्नल्स देखे उस फ्लिप फ्लॉप में हम इंफॉर्मेशन ज़ीरो या वन को स्टोर कर सकते हैं स्टैटिक रैम की अगेन दो किस्में थीं एक जो थी ए सिंकोनस स्टैटिक रैम और दूसरी जो थी सिंकोनस स्टैटिक रैम ए सिंकोनस में बेसिकली जो रीड राइट साइकिल है वो क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज नहीं है और सिंकोनस स्टैटिक रैम में जो रीड राइट साइकिल है वो क्लॉक के साथ सिंकोनाइज है सो so, सिंक्रोनस जो रैम है उसका क्लॉक साइकिल जो रीड राइट क्लॉक साइकिल है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा एज कम्पेयर टू ए सिंकोनस सिंकोनस स्टैटिक रैम में हमने कहा था कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं एक बर्स्ट मोड है बर्स्ट मोड में हम ये कह रहे हैं कि आपने लत से सक्सेसिव लोकेशन से रीड या राइट करना है तो आप इनिशियल एड्रेस इशू कर दें वो एड्रेस स्टोर हो जाएगा इंटरनल एड्रेस रजिस्टर में उसके बाद बर्स्ट जो मोड सर्किट है उसको एक्टिवेट कर दें बर्स्ट मोड सर्किट जो है बेसिकली काउंटर है जो हर क्लॉक पल्स पे इंक्रीमेंट हो रहा है और इंटरनली सक्सेसिव एड्रेसेस जनरेट कर रहे हैं मेमोरी के उधर से आप सक्सेसिव इंफॉर्मेशन जो है रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं अब आइए हम बात करते हैं डायनामिक रैम पे डायनेमिक रैम जो है बेसिकली हमने शुरू में बात की थी कि वो इम्प्लीमेंट होती है एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर की मदद से सो so, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर यूज़ हो रहा है एक बिट को स्टोर करने के लिए दैट मींस डायनेमिक रैम की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर जो है कम्पेयर टू सिक्स ट्रांजिस्टर्स इन द केस ऑफ स्टैटिक रैम बहुत कम जगह लेते हैं डायनामिक रैम की हमने बात की थी कि जो कैपेसिटर है वो थोड़े टाइम के बाद अपने चार्ज जो है वो लूज़ कर जाता है तो अगर डायनामिक रैम को पीरियोडिकली रीचार्ज नहीं किया जो कैपेसिटर्स हैं उनको रीचार्ज नहीं किया तो सारी इंफॉर्मेशन लूज़ हो जाएगी सो so, डायनामिक रैम को पीरियोडिकली चार्ज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा सर्किट भी चाहिए जो इसकी कम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज़ कर देती है स्टैटिक रैम जो है वो इतना कम्प्लेक्स सर्किट नहीं है डाइनामिक रैम का एक सेल जो है जैसे हमने बताया था एक ट्रांजिस्टर है जो कि एज ए स्विच काम करता है ट्रांजिस्टर के आउटपुट पे एक कैपेसिटर लगा होता है ट्रांजिस्टर को आप इस तरह समझें कि उसका एक गेट है उसको रो के साथ कनेक्ट किया हुआ है जो रो जो है एक रो डिकोडर के आउटपुट से आ रही है सो so, आपने एड्रेस भेजा री रो डिकोडर पर री रो डिकोडर जो है एक रो सेलेक्ट लाइन को एक्टिवेट कर देता है जिसके साथ एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ट्रांजिस्टर जो है बेसिकली स्विच ऑन हो जाएगा जब स्विच ऑन हो जाएगा बेसिकली कैपेसिटर को कनेक्ट कर देगा एक डाटा इनपुट के साथ सो so, आपने अगर इंफॉर्मेशन स्टोर करनी लॉजिक वन स्टोर करना है वो आप कैपेसिटर पे इन द फॉर्म ऑफ ए चार्ज स्टोर कर देंगे अगर ज़ीरो स्टोर करना है तो बेसिकली आप कैपेसिटर पे कुछ भी स्टोर नहीं करेंगे सो दैट मीनस ज़ीरो चार्ज है इसी तरह अगर आपने इंफॉर्मेशन कैपेसिटर से पढ़नी है तो अगेन अप्रोप्रिएट रो सेलेक्ट करेंगे जिससे ट्रांजिस्टर का गेट ऑन हो जाएगा जिससे ट्रांजिस्टर जो है वो भी ऑन हो जाएगा दैट मीन्स वो कैपेसिटर और डाटा आउटपुट लाइन के दरमियान एक कनेक्शन प्रोवाइड कर देगा सो so, डाटा आउटपुट लाइन पे जो भी कैपेसिटर में इंफॉर्मेशन है वो आप पढ़ सकते हैं अगर जीरो है वो पढ़ सकते हैं अगर वन है वो पढ़ सकते हैं डाटा इनपुट लाइंस और डाटा आउटपुट लाइंस जो हैं जो कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू ए स्विच वो एक बफर्स के थ्रू कनेक्टेड हैं सो so, एक आउटपुट बफर है एक इनपुट बफर है और एक तीसरा बफर चाहिए जो हम यूज़ कर रहे हैं कैपेसिटर को रिफ्रेश करने के लिए जैसे हमने बताया कि कैपेसिटर जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपना चार्ज लूज़ कर जाएगा तो उसको कैसे हमने रिचार्ज करना है वो होगा एक रिफ्रेश बफर के थ्रू एक और चीज़ जो है वो जब भी आप इंफॉर्मेशन कैपेसिटर से पढ़ेंगे लेट्स से उसने लॉजिक वन स्टोर किया हुआ है बेसिकली कैपेसिटर चार्ज है जब भी आप इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे कैपेसिटर अपना चार्ज लूज कर जाएगा तो आपने वो जो इंफॉर्मेशन है यू हैव लॉस्ट दैट इंफॉर्मेशन तो पढ़ते वक्त आपने दोबारा से कैपेसिटर को चार्ज करना है वो अगेन कैसे होगा जो रिफ्रेश बफ़र है उसके थ्रू ही कैपेसिटर को रिचार्ज किया जाता है सो तो ये पहले देखते हैं एक डायनामिक रैम सेल का स्ट्रक्चर कि कैपेसिटर ट्रांजिस्टर कैसे आपस में कनेक्टेड हैं और ये बफ़र जो हैं डाटा इनपुट के साथ डाटा आउटपुट लाइंस के साथ वो ट्रांजिस्टर के साथ कैसे कनेक्टेड हैं और कैपेसिटर को कैसे चार्ज या डिस्चार्ज कर रहे हैं उसके बाद हम रीड एंड राइट साइकिल्स देखेंगे डायनामिक रैम के डायग्राम में एक डायनामिक रैम का सेल दिखाया गया है जो कि एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है राइट हैंड साइड पे एक मॉसफेट जो है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दिखाया गया है जिसका गेट जो है वो रो लाइन के साथ कनेक्टेड है जूँ ही आप एड्रेस भेजते हैं जो रो एड्रेस डी है वो एक रो लाइन को सिलेक्ट कर देगा डिपेंडिंग ऑन दी एड्रेस जिसकी वजह से ये जो मॉसफेट दिखाया गया वो एक्टिवेट हो जाएगा ऑन हो जाएगा ऑन होने का मतलब यह है कि वो पॉइंट बी और डी के दरमियान एक कनेक्शन प्रोवाइड करेगा पॉइंट डी के साथ एक कैपेसिटर कनेक्टेड है दूसरा एंड उसका ग्राउंड है लेफ्ट हैंड साइड पे तीन बफर्स दिखाए गए हैं डाटा इनपुट लाइन के साथ एक बफर है जिसको हम इनपुट बफर कह रहे हैं इसका जो इनेबल सिग्नल है वो एक्टिव लो इनेबल सिग्नल है ये इनेबल सिग्नल एक रीड राइट कंट्रोल लाइन के साथ कनेक्टेड है इसी तरह इसके ऊपर जो है डी आउट लाइन दिखाई गई है उसके साथ एक आउटपुट बफर या सेंस एम्पलीफायर लगा हुआ है यह भी एक ट्राई स्ट्रीट बफर है जिसका इनेबल जो है वो भी रीड राइट कंट्रोल सिग्नल के साथ कनेक्टेड है और एक्टिव हाई सिग्नल है सबसे ऊपर एक बफर दिखाया गया जिसको हम रिफ्रेश बफर कह रहे हैं ये जो है रिफ्रेश सिग्नल की मदद से एक्टिवेट होता है और एक्टिव हाई सिग्नल है डेटा आउटपुट जो सिग्नल है वो इस रिफ्रेश बफर के इनपुट के साथ कनेक्टेड है डेटा इनपुट लाइन और डेटा आउटपुट लाइन इन दो बफर्स के थ्रू जो है एक कॉलम लाइन के साथ कनेक्टेड है इसी तरह रिफ्रेश बफर का जो आउटपुट है वो भी एक कॉलम लाइन के साथ कनेक्टेड है मॉस्फर ट्रांजिस्टर का एक एंड जो है बी वो कॉलम लाइन के साथ अटैच्ड है जिसके साथ डेटा आउटलाइन आउटपुट लाइन और डेटा इनपुट लाइन भी अटैच्ड है सो लेट अस सपोज के माइक्रोप्रोसेसर एक एड्रेस भेजता है जिसकी मदद से हम एक रो को सेलेक्ट कर रहे हैं और एक कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हैं वो रो और कॉलम जो हैं इस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट कर रही हैं रो जो है गेट को एक्टिवेट कर देती हैं और जो कॉलम है वो बी को कनेक्ट कर देती हैं अब हम इंफॉर्मेशन जो है कैपेसिटर में लिख सकते हैं और इसी तरह कैपेसिटर में जो भी इंफॉर्मेशन है वो पढ़ सकते हैं थ्रू दी कॉलम लाइन अभी हमने डायनामिक रैम का एक सेल देखा जो एक ट्रांजिस्टर है जिसको हम सेलेक्ट करते हैं बाय सेंडिंग आउट एन, एन अप्रोप्रिएट एड्रेस अप्रोप्रिएट जो एड्रेस है वो एक रो की शक्ल में रो सेलेक्ट लाइन की शक्ल में और एक कॉलम सेलेक्ट लाइन की शक्ल में एक्टिवेट हो जाता है रो के साथ ट्रांजिस्टर का गेट कनेक्टेड है और ट्रांजिस्टर का एक एंड जो है वो कॉलम के साथ कनेक्टेड है सो वो वाला जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिवेट हो गया अब उस ट्रांजिस्टर के थ्रू हम कैपेसिटर को चार्ज कर सकते हैं दैट मीन्स इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं अगर उसमें ज़ीरो स्टोर करना है हैं तो ऑफकोर्स उसको चार्ज नहीं करेंगे इसी तरह अगर इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो वो कॉलम के थ्रू हम पढ़ेंगे आइए अब देखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन राइट कैसे कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कैपेसिटर में और इन्फॉर्मेशन पढ़ कैसे रहें या रीड कैसे कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेल से आइए हम देखते हैं कि वन या ज़ीरो लॉजिक वन या ज़ीरो हम इस पर्टिकुलर डाइनमिक रैम सेल में कैसे लिखते हैं बेसिकली हमने एड्रेस भेजा जिसकी वजह से रो सेलेक्ट होगी और कॉलम सेलेक्ट होगी रो सेलेक्ट होने से ट्रांजिस्टर का गेट ऑन हो गया जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर ऑन हो गया कॉलम जब सेलेक्ट हुआ तो बी जो इनपुट है ट्रांजिस्टर का वो ए के साथ कनेक्ट हो गया इन्फॉर्मेशन लॉजिक वन अगर हम लिख रहे हैं तो वन डाटा एन पे अप्लाई करेंगे क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं रीड राइट सिग्नल लो हो जाएगा लो होने की वजह से जो इनपुट बफर है वो एक्टिवेट हो जाएगा डाटा एन पे जो इन्फॉर्मेशन है वो बफर के आउटपुट पे आ जाएगी आउटपुट लाइन से होते हुए वो कॉलम ए पे आ जाएगी ए से बी बी से डी पे पहुंच जाएगी क्योंकि ट्रांजिस्टर ऑन है सो so एक पूरा एक कनेक्शन पाथ प्रोवाइड कर रहा है और जो इन्फॉर्मेशन डी पे है वो कैपेसिटर पे स्टोर हो जाएगी सो लॉजिक वन जो है कैपेसिटर पे स्टोर हो जाएगा इसी तरह अगर हमने ज़ीरो राइट करना है कैपेसिटर पे, तो रो सिलेक्ट की कॉलम सिलेक्ट किया जिसकी वजह से ये मॉसफेयर ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो जाएगा ऑन हो जाएगा डाटा इनपुट लाइन पे लॉजिक ज़ीरो अप्लाई करते हैं रीड राइट सिग्नल क्योंकि हम राइट कर रहे हैं जीरो है जिसकी वजह से इनपुट बफर जो है वो सिलेक्टेड है सो डाटा इनपुट पे जो लॉजिक ज़ीरो है वो बफर के आउटपुट पे अवेलेबल है वही इन्फॉर्मेशन ए पॉइंट पे कॉलम लाइन पे अवेलेबल है उसी तरह वही इन्फॉर्मेशन बी पॉइंट पे भी अवेलेबल है क्योंकि ट्रांजिस्टर ऑन है सो बी पॉइंट पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो डी पे भी है अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये क्योंकि लॉजिक जीरो है तो so कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा या इस पर जीरो चार्ज होगा या लॉजिक ज़ीरो ये स्टोर कर रहा है आइए अब देखते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है रीड कैसे करते हैं इस पर्टिकुलर डाइनामिक रैम सेल से अगेन एड्रेस माइक्रोप्रोसेसर भेज रहा है जिसकी मदद से हम एक रो और एक पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं रो की वजह से इस ट्रांजिस्टर का गेट ऑन हो जाता है और कॉलम की वजह से जो पॉइंट डी है ट्रांजिस्टर का वो बी के साथ कनेक्ट हो जाता है कैपेसिटर में लेट अस सपोज वन स्टोर हुआ हुआ है सो वन जो है डी पे अवेलेबल है वही वन जो है बी पे अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि कॉलम सिलेक्टेड है सो बी इंफॉर्मेशन जो है ए पे अवेलेबल है रीड कर रहे हैं तो रीड सिग्नल हाई है जिसकी वजह से आउटपुट बफर जो है वो सिलेक्ट हो गया क्योंकि इसका जो सिलेक्ट इनपुट है इनेबल इनपुट है वो एक्टिव हाई है सो so, जो भी इंफॉर्मेशन कॉलम लाइन पॉइंट ए पे मौजूद है वो डाटा आउट पे अवेलेबल होगी अगर कैपेसिटर पे लॉजिक ज़ीरो स्टोर हुआ है डी पॉइंट पे ज़ीरो अवेलेबल होगा मॉस्फेट uh, जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन है सो लॉजिक ज़ीरो जो है पॉइंट बी जो कॉलम लाइन है उस पर अवेलेबल होगा ये इन्फॉर्मेशन पॉइंट ए पे अवेलेबल होगी क्योंकि आउटपुट बफर सिलेक्टेड है रीड सिग्नल एक्टिव है सो लॉजिक जीरो जो है डाटा आउट पे अवेलेबल हो जाएगा रीड करते वक्त जो इन्फॉर्मेशन है कैपेसिटर पे वो लूज हो जाती है लेटर सपोज कैपेसिटर पे लॉजिक वन है जब आप डाटा आउट से उसको पढ़ेंगे तो कैपेसिटर का जो इन्फॉर्मेशन है जो चार्ज है वो लूज हो जाएगा सो so, पढ़ते वक्त दोबारा से कैपेसिटर को चार्ज करना होगा सो so, देखते हैं कि ये रिफ्रेश कैसे हो रहा है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया रिफ्रेश बफर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है रिफ्रेश सिग्नल को एक्टिव करने से सो so, डाटा आउट पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो रिफ्रेश बफर के इनपुट पे अप्लाइड है रिफ्रेश सिग्नल जो एक्टिव है रिफ्रेश बफर जो है एक्टिवेट हो जाता है सो so, वही इंफॉर्मेशन पॉइंट सी पे अवेलेबल है पॉइंट सी जो है वो कॉलम लाइन पे है सेलेक्टेड कॉलम लाइन है ये इंफॉर्मेशन पॉइंट बी पे अवेलेबल है और जो मॉसफेट क्योंकि ऑन है ये इन्फॉर्मेशन डी पे वापस पहुंच जाती है कैपेसिटर जो है वो इन्फॉर्मेशन जो पड़ी थी वो दोबारा से कैपेसिटर पे स्टोर हो रही है अभी हमने एक डायनामिक रैम सेल के इं, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा बेसिकली एक कैपेसिटर है कनेक्टेड थ्रू ए ट्रांजिस्टर और तीन बफर्स हैं उन बफर्स की मदद से ट्रांजिस्टर की मदद से हम कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हैं या उसको ज़ीरो चार्ज पर रहने देते हैं दैट मींस हम इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं अगर हमने पढ़नी है अगेन आउटपुट बफर ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर के थ्रू हम पढ़ भी सकते हैं जब इन्फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं तो जो कैपेसिटर है वो इन्फॉमेसन लूज़ कर देता है सो so, पढ़ते वक्त दोबारा से कैपेसिटर को चार्ज करना होता है थ्रू दी रिफ्रेश सर्किट रे नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रेस मल्टीप्लेक्सिंग पे बेसिकली जो डायनामिक रैम है वो हमने बताया कि आ, काफ़ी डेंस मेमरी प्रोवाइड कर रहा है बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक छोटे से सर्किट में आप स्टोर कर सकते हैं किसी भी आप इंटीग्रेटेड सर्किट को देखें तो फिज़िकली उसका साइज़ बहुत कम होता है जो पैकेज है वो बड़ा होता है क्योंकि आपने इनपुट आउटपुट पेंस जो हैं जिसके थ्रू आप डिफरेंट कोनेक्शनस कर रहे हैं वो अपने प्रोवाइड करनी है सो डायनामिक रैम जो है चिप इट जो है काफ़ी छोटा है उसकी जो एड्रेस लाइन्स हैं वो उसकी वजह से चिप का साइज़ बढ़ जाता है उसमें टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स आप क्या करते हैं कि रो जो एड्रेस है और जो कॉलम एड्रेस है जैसे हमने बताया कि टू डायमेंशनल रे है जो इनपुट पे एड्रेस अप्लाई कर रहे हैं उसको स्प्लिट कर रहे हैं इनटू रो एड्रेस एंड कॉलम एड्रेस सो बेसिकली आप जो एक्सटर्नल एड्रेस लाइंस हैं उनको रिड्यूस कर रहे हैं लेट अस सपोज कि आपके पास 16 बिट एड्रेस इनपुट है सो so 8 बिट्स जो हैं उनमें से रो एड्रेस को रिप्रेजेंट करती हैं और 8 बिट्स जो हैं कॉलम एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो so बजाय कि आप 16 इनपुट लाइंस रखें आप 8 इनपुट लाइन रखें पहले आप रो एड्रेस अप्लाई करें उसको स्टोर कर दें उसके बाद आप कॉलम एड्रेस अप्लाई करें उसको स्टोर कर लें उसके बाद इंटरनली जो है उन रो एड्रेसेस को और कॉलम एड्रेसेस को यूज़ करें और आप एक पर्टिकुलर लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं उसमें इससे फ़ायदा ये होगा जो एक्सटर्नली 16 जो एड्रेस लाइंस थी वो रिड्यूस होकर 8 एड्रेस लाइन रह गई तो आपका जो चिप साइज़ है वो मजीद कम हो जाएगा छोटा हो जाएगा उसमें सो so बेसिकली जो एड्रेस मल्टीप्लेक्सिंग जो हमने दो एड्रेसेस बताए रो एड्रेस एंड कॉलम एड्रेस आप मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं उसमें ये देखते हैं कि ये मल्टीप्लेक्सिंग सर्किट काम कैसे करता है कौन से एडिशनल सिग्नल्स चाहिए ताकि हम इस एड्रेस को मल्टीप्लेक्स कर सकें और जो एक्सटर्नल एड्रेस लाइन्स हैं उनको रिड्यूस कर सकें सर्किट डायग्राम दिखाया गया है एक वन मेगापिट डनामिक रैम का बेसिकली ये ऑर्गेनाइज्ड है इन 1024 जीरो टू फोर रोज एंड वन जीरो टू फोर कॉलम्स एक रो डी कोडर है और एक कॉलम डी कोडर है जो कि एक पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करता है और एक पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करता है जिसकी मदद से हम एक सेल को एक्सेस कर सकते हैं मेमोरी अरे के नीचे एक इनपुट आउटपुट बफर्स एंड सेंस एम्पलीफायर्स दिखाए गए हैं जिनकी मदद से हम इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं पढ़ सकते हैं और रिफ्रेश कर सकते हैं डाटा आउटपुट लाइन दिखाई गई है डाटा इनपुट लाइन दिखाई गई नीचे रीड राइट सिग्नल्स दिखाए गए हैं और चिप सिलेक्ट या इनेबल सिग्नल दिखाए गए रो डिकोडर जो है उसके इनपुट पे एक डाटा सेलेक्टर है डाटा सेलेक्टर का जो एक इनपुट है वो रो एड्रेस लैच से आ रहा है और दूसरा जो है रिफ्रेश काउंटर से आ रहा है इसी तरह जो नीचे कॉलम डिकोडर दिखाया गया उसका जो इनपुट है एक कॉलम एड्रेस लैच से आ रहा है रो एड्रेस लैच और कॉलम एड्रेस लैच जो हैं वो कंट्रोल हो रही हैं थ्रू आर एस बार सिग्नल एंड सी ए एस बार सिग्नल रो एड्रेस लैच के इनपुट पे और कॉलम एड्रेस लैच के इनपुट पे एड्रेस लाइंस दिखाई गई हैं ए ज़ीरो से बेसिकली ट्वेंटी लाइंस हैं क्योंकि वन मेगाबाइट मेमोरी है सो ट्वेंटी लाइंस चाहिए सो बेसिकली एड्रेस लाइंस जो हैं दस होंगी ए ज़ीरो से लेके आई ए नाइन तक जो कि रो एड्रेस लैच के साथ भी कनेक्टेड हैं और कॉलम एड्रेस लैच के साथ भी कनेक्टेड हैं ऊपर एक रिफ्रेश काउंटर सर्किट दिखाया गया जो कि एक रिफ़्रेश कंट्रोल एंड टाइमिंग सर्किट से कंट्रोल हो रहा है नीचे अगर आप आएं, आर ए एस बार जो है रो एड्रेस स्ट्रोक और सबसे नीचे कॉलम एड्रेस स्ट्रोक सी ए एस बार जो सिग्नल है जैसे कि हमने पहले बताया रो एड्रेस लैच को कंट्रोल करते हैं और कॉलम एड्रेस लैच को कंट्रोल करते हैं सबसे पहले जो एड्रेस है वो रो एड्रेस भेजा जाता है कॉमन एड्रेस लाइंस पे ए ज़ीरो से ए नाइन पर ये इन्फॉर्मेशन रो एड्रेस लैच के इनपुट पे भी अवेलेबल है और कॉलम एड्रेस लैच के इनपुट पे भी अवेलेबल है क्योंकि ये रो इन्फॉर्मेशन है सो रो एड्रेस स्टोर सिग्नल एक्टिवेट होगा और ये इन्फॉमेशन जो है रो एड्रेस लैच में स्टोर हो जाएगी नेक्स्ट टाइम इंटरवल में कॉलम एड्रेस अप्लाई किया जाता है ए ज़ीरो एड्रेस नाइन्स पे ये इन्फॉर्मेशन जो है रो एड्रेस लैच के इनपुट पे भी अवेलेबल है और कॉलम एड्रेस लैच के इनपुट पे भी अवेलेबल है क्योंकि सी ए एस सिग्नल एक्टिवेट हुआ है सो ये जो इन्फॉर्मेशन है जो कि कॉलम एड्रेस है कॉलम एड्रेस लैच पे स्टोर हो जाएगा अब ये जो रो एड्रेस इन्फॉर्मेशन है और कॉलम एड्रेस जो इन्फॉर्मेशन है दोनों लैचेस में स्टोर हैं ये अप्लाई हो रहे हैं डाटा सेलेक्टर पर और कॉलम कॉलम डिकोडर पर डायरेक्टली अब मैज्यूम करते हैं कि रिफ्रेश काउंटर जो है वो काम नहीं कर रहा सो रो एड्रेस लैच की इन्फॉर्मेशन डाटा सेलेक्टर से होते हुए रो डिकोडर के पास आ रही है कॉलम एड्रेस लैच की इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली कॉलम डिकोडर पे आ रही है रो डिकोडर और कॉलम डिकोडर जो है इन इन्फॉर्मेशन को इंडिपेंडेंटली डी करते हैं जिनकी मदद से एक रो सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा और एक कॉलम सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा जो कि एक सेल को सेलेक्ट कर देगा अभी हमने डायनेमिक रैम का इंटरनल एड्रेस डी कोडिंग सर्किटरी देखी जिसको हमने मल्टीप्लेक्स किया हुआ है मल्टीप्लेक्स हमने करने का मकसद ये था कि जो एक्सटर्नल एड्रेस लाइंस हैं उनको रिड्यूस करना है बाय हाफ इसमें जो एडिशन की है बेसिकली दो लैचेस हमने ऐड किए हैं क्योंकि पूरा एड्रेस एट ए टाइम अवेलेबल नहीं है पहले हम रो एड्रेस भेज रहे हैं उसको स्टोर कर रहे हैं उसके बाद कॉलम एड्रेस को भेज रहे हैं उसको स्टोर कर रहे हैं कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टू कंट्रोल सिग्नल्स आर ए एस और सी ए एस जो कि रो एड्रेस स्ट्रोब है और कॉलम एड्रेस स्ट्रोब है जो ही ये दो रो एड्रेसेस एंड कॉलम एड्रेसेस दो लैचेस में स्टोर हो जाते हैं इनके आउटपुट्स जो हैं एड्रेस रो डिकोडर के साथ कनेक्टेड हैं और कॉलम डिकोडर के साथ कनेक्टेड हैं रो डिकोडर और कॉलम डिकोडर जो है बेसिकली एक रो लाइन को सिलेक्ट करता है और कॉलम लाइन को सेलेक्ट करता है जो रीड राइट साइकिल है डायनामिक रैम के लिए वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा पहले अगर आपको याद हो स्टैटिक रैम के लिए हमने जो रीड राइट साइकिल देखा था उसमें बेसिकली एड्रेस आप जनरेट करते हैं फिर चिप सिलेक्ट लाइन को या आउटपुट इनेबल लाइन को या राइट एनेबल लाइन को सिलेक्ट करते हैं फिर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ रीड कर रहे होते हैं या आप जो डाटा आपने लिखना है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं डायनामिक रैम के केस में एड्रेस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा पहले आप रो एड्रेस आपको नजर आएगा टाइमिंग डायग्राम में उसके साथ आर एस सिग्नल होगा उसके बाद कॉलम एड्रेस नज़र आएगा सी ए एस सिग्नल होगा उसके बाद आप रीड राइट कर सकेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन शुरू करेंगे डायनामिक रैम के रीड राइट साइकिल से नेक्स्ट लेक्चर तक ना ख्याल रखिएगा दोबारा मिलेंगे खुदा वा अस्सलाम वालेकुम